दोस्तों लाइफ लाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको लघुत्तम और महत्तम के कुछ और प्रश्नों से अवगत कराते हैं। आइए देखते हैं बिना विलंब किए पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 27:2 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम 3 और लघुत्तम 162 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। एक मिनट के अंदर ये कैसे सॉल्व करें उसको देखो। सबसे पहला है लघुत्तम कितना है 162 और महत्तम क्या है 3। महत्तम वैसा चीज है जो कि अनुपात में दोनों में, जिसमें है दोनों डिजिट में अनुपातिक दिया हुआ कितना 27:3 27:2। अब हम कैसे संख्या निकालेंगे, संख्या निकल रहा है महत्तम मेरा 3 था, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा संख्या निकल जाएगा। इसका मतलब 27 × 3 यदि कर देंगे तो पहला संख्या निकल जाएगा 27 से कितना 81 और 27 × 2 कर देंगे 3 × 2 कितना हो गया 6। हम कर देंगे कि मेरा कौन संख्या निकल गया। कितना टाइम लगा, कोई टाइम लगा, क्या क्या काम किया, यदि दो संख्या अनुपात के रूप में रहे और उनका महत्तम दिया हुआ है और लघुत्तम क्या है दिया हुआ है, जितना महत्तम है उस अनुपात का केवल महत्तम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। सवाल नंबर दो है, 3 संख्या है उसका अनुपात है 3:4:5 है, यदि इसका लघुत्तम कितना है 2400 है तो इन संख्या का क्या निकालना है महत्तम निकालना है। इसके पिछला वीडियो में हम बताए थे यदि लघुत्तम दिया हुआ है और महत्तम निकालना है, क्या निकालना है महत्तम निकालना है, कुछ नहीं करना है, जितना लघुत्तम उसको लिख देंगे और जो भी अनुपातिक रेशियो है उससे केवल भाग दे देंगे मेरा महत्तम निकल के तैयार हो जाएगा। इसको कटा 5×20 = 60 कितना भर में 40 भर, यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, यदि यही चीज लिखा हुआ रहता है, यदि महत्तम दिया रहता मान लिया 10, महत्तम कितना दिया रहता 10 और बोलते लघुत्तम निकालिए, केवल जितना भी अनुपातिक रेशियो है इसको और ये महत्तम दिया हुआ इसको गुना हम कर लेते मेरा क्या निकल जाता लघुत्तम निकल जाता, सबको गुना कर देने के बाद लघुत्तम निकल जाता है। और यदि महत्तम निकलना है क्या करना, ऊपर में लघुत्तम का मान और नीचे जो जो रेशियो है, यदि 2 का अनुपात रहा था 2 को गुना कर, 3 को है तो 3 को गुना, 4 को रहा था 4 को गुना। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 3 को हम देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में यदि उनका महत्तम कितना है 12 है तो हमको क्या निकालना है संख्या निकालना है। एकदम हल्का में एक मिनट में मना था क्या बोले, यदि अनुपात दिया हुआ है महत्तम दिया हुआ है यदि संख्या निकालना है केवल महत्तम को अनुपात से रेशियो से गुणा करते जाएंगे मेरा संख्या निकलते जाएगा। इसका मतलब 12×1 हो गया कि पहला संख्या हो गया 12×24 कर दिया। कितना टाइम लगा, मात्र 10 सेकंड में सवाल हम सॉल्व कर दें। कोई दिक्कत, यही चीज क्वेश्चन में रहता महत्तम दिया हुआ है हमको बता दिया लघुत्तम निकालिए, क्या निकालिए लघुत्तम, तो 1×2×3× कितना कर देते 12 कर देते मेरा सोल्यूशन। कोई दिक्कत, आगे देखो सवाल नंबर 4 आराम से बनाते चलेंगे। बोला दो संख्या उसका लघुत्तम रहे 84 है और महत्तम कितना है 21 है, उसके बाद बोला यदि इन संख्याओं का अनुपात जो है कितना है 1:4 है तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। हमको अभी तक क्या मिल रहा था 2 अनुपात यदि दिया रहता था 2×3 दिया रहता था और महत्तम दिया रहता था केवल गुना कर देते तो मेरा संख्या निकल जाता था। अब जब यहाँ महत्तम कितना दिया हुआ था 21, महत्तम कितना है 21, यदि संख्या बोलेगा यही दोनों अनुपात था, एक संख्या 21×1 हो गया, दूसरा संख्या 21×4 कितना 84, केवल हम लोग बड़ा संख्या बोला था केवल क्या करते 21×84। कोई टाइम लगा, सेकंड नंबर है सवाल, आगे हम सवाल देखेंगे अंतिम 5 नंबर क्या कर बोला दो संख्या है उसका जोड़ कितना है 55 है, उसका महत्तम 5 है और लघुत्तम कितना है 120 है तो बोला इस संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा क्या होगा। पहले हम संख्या निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, पहला काम क्या है मेरा संख्या निकालना, लेकिन कंडीशन है इसमें अनुपात और असमान है नहीं है, हम पहले संख्या कैसे निकालते हैं उसको देखो। ये महत्तम कितना था 5 और लघुत्तम कितना है 120, हम क्या करेंगे पहला काम ये भी हम कर सकते हैं जो महत्तम का 5 निकला इसका मतलब दो जो संख्या है दोनों संख्या के पास गया नहीं गया
रेशियो लगता है एगो बी अनुपात में, किस अनुपात में, एगो ए एगो बी, या एगो एक्स है दूसरा कितना वाई है, जब महत्तम इसका पांच था एगो संख्या है पांच एक्स, दूसरा कितना हो गया पांच वाई। यहाँ रखो दिक्कत, अब सवाल की ओर चलो, सवाल बोल रहा था दोनों के जोड़ते हैं, जोड़ के कितना होता है पचपन, यहाँ फाइव एक्स प्लस फाइव वाई बराबर कितना लिख सकते हैं पचपन, इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना पचपन, इधर से पांच कॉमन ले लीजिए कितना हो गया ग्यारह है, कितना हो गया ग्यारह, इसका मतलब है एक्स और वाई का मान जो है कितना निकला ग्यारह। अब अपने मन से हम लिख सकते हैं एक्स का मान लीजिए आठ लिखेंगे और वाई का मान कितना लिखते हैं तीन, आठ तीन ग्यारह, हम ये भी ले सकते हैं सात चार भी ले सकते हैं चौपन भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तो इसका फायदा क्या होगा, इधर अनुपात महत्व कितना निकला था एक तरह से अनुपात हो गया, इसका मतलब आठ और पांच गुना आठ करेंगे तो संख्या करके कितना ले लिया पांच चालीस, और दूसरा संख्या आठ दिया चौबीस, लेकिन और कंडीशन इसका दिया था उत्तम कितना होना चाहिए एक सौ बीस होना चाहिए, यदि नहीं होगा तो मेरा क्या होगा गलत हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे एक सौ बीस जब पुराना है तो इसको भी हम देखते हैं एक सौ बीस पुराने के लिए हम क्या करते हैं आठ दिया चौबीस कितना था पांच दिया पांच था ना अनुपात, तो पांच डिग्री कितना हो गया पंद्रह, लेकिन और कंडीशन है ये भी हो सकता है लघुत्तम की जो संख्या है वो मान लो फाइव एक्स हो गया दूसरा कितना हो गया फाइव वाई, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा फाइव एक्स वाई, कितना हो गया फाइव एक्स, ये ना फाइव एक्स फाइव वाई का इसका लघुत्तम मेरा सवाल में कितना दिया हुआ था एक सौ बीस, तो एक्स वाई का मान कितना हो गया जब कट गया तो चौबीस हो गया कितना हो गया चौबीस, इसका मतलब है दोनों को गुना करके भी कितना बुनना चाहिए चौबीस, इधर गुना करके चौबीस हो रहा है, इधर पूरा हो रहा है, इधर हो रहा है, इस सब नहीं लेने किसको लेने इसको आठ और तीन को, इस कंडीशन से मेरा संख्या कितना निकला आठ गुना पांच चालीस, दूसरा पांच दिया पंद्रह, जब एक संख्या मेरा चालीस निकल गया और दूसरा संख्या कितना निकल गया पंद्रह, अब बोला जा सकता कि ये संख्या का व्युत्क्रम इसको उल्टा दीजिए, उल्टा कितना एक बटे चालीस और एक बटे पंद्रह, इसका क्या निकलना जो निकलना इसको हम सर्व करने जो होगा वही मेरा क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत वीडियो और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।